डॉक्टर मीनाक्षी सिंह, आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर मीनाक्षी होम्योपैथिक कंसल्टेंट पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताने जा रही हूँ। अगर पुरुषों के लिए मेडिसिन बहुत ही यूजफुल है, उसके साथ साथ अन्य केसेस में भी बहुत ही यूजफुल है, तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेल्स के लिए ये मेडिसिन कैसे यूजफुल है, किस किस केसेस में यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप में क्या सिम्टम होंगे तो इस मेडिसिन को ले सकते हैं। इसके अलावा हम अन्य लक्षणों की बात करेंगे कि किस केस में और भी इसको दिया जा सकता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये मेडिसिन कौन कौन लोग ले सकते हैं, किन के लिए सेफ नहीं है, और साथ ही साथ बताऊंगी इसके कोई साइड इफेक्ट है या फिर नहीं है। और नेक्स्ट हम जानेंगे कि इस मेडिसिन को कैसे यूज करना है, कितनी पोटेंसी में लेना है, कितनी बार इसको रिपीट करना है, इन सब बारे में आपको जानकारी दूंगी। तो अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहें। तो अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जब मैं अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो उसका इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। आज जिस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रही हूं वो है साइडोनिया वल्गैरिस। साइडोनिया वल्गैरिस बहुत ही यूजफुल मेडिसिन है। ये एक प्लांट बेस्ड मेडिसिन है। जो मेडिसिन है इसके फ्रूट्स से प्रिपेयर होती है, बहुत ही यूजफुल है। अगर आपकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक नहीं है तो भी इसका बहुत ही अच्छा रोल है। तो यदि आपकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन सही नहीं है तो इस मेडिसिन को यूज किया जा सकता है। इसके यूज करने से आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक होगा और उसके साथ ही साथ जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं आपकी बॉडी में वो भी स्ट्रांग होंगे और उन्हें भी अच्छे से डेवलपमेंट होगा। तो इस मेडिसिन को मेल्स कैसे किस किस केस में यूज कर सकते हैं? अगर आपके जो ऑर्गन्स हैं वो सही से डेवलप नहीं हुए हैं, उनमें वीकनेस आ गई है, किसी भी वजह से वीकनेस है, चाहे किसी मेंटल स्ट्रेस की वजह से वीकनेस है या फिर जो आपकी चाइल्डहुड जो मिस्टेक्स हैं उनकी वजह से वीकनेस आ गई है, तो ये मेडिसिन उसमें भी बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अगर आपको पेनफुल इरेक्शन होता है तो आपको ये मेडिसिन डॉक्टर के कंसल्ट के बिना नहीं लेना है। और ये मेडिसिन इसके अलावा अन्य केसेस में भी बहुत ही अच्छा वर्क करती है। आपको अगर आपको पेट से रिलेटेड कोई परेशानी है, मींस आपको कब्ज की शिकायत है, दस्त की शिकायत है, आपको गैस्ट्रिक कंप्लेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, तो भी आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी बॉडी में हार्मोन्स इम्बैलेंस है तो हार्मोन्स को भी बैलेंस करने का ये काम करती है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इस मेडिसिन के यूज करने से, खास करके मेल्स में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मैच्योर इजेकुलेशन का केस है या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन का केस है तो ये मेडिसिन बहुत ही सुटेबल है उन लोगों के लिए। इस मेडिसिन को यूज किया जा सकता है। अगर आपके ऑर्गन्स रिलैक्स्ड हैं, उनमें ग्रोथ नहीं हो रही है, आपके जो टेस्टिस है उसमें भी पेन रहता है, स्वेलिंग रहती है आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स में, तो भी मेडिसिन बहुत ही यूजफुल है, इसको आप यूज कर सकते हैं। इस मेडिसिन को आपको किस पोटेंसी में यूज करना है और कैसे यूज करना है उसकी बात करते हैं। तो साइडोनिया वल्गैरिस को आपको मदर टिंचर फॉर्म में यूज करना है। नॉर्मली तो मेडिसिन जो है वो पेशेंट की कंडीशन देख करके ही डिसाइड किया जा सकता है कि किस पोटेंसी में लेना है, लेकिन जो इसका मदर टिंचर फॉर्म बहुत ही यूज होने वाली, कॉमनली यूज होने वाली पोटेंसी है ये, तो साइडोनिया वल्गैरिस को मदर टिंचर फॉर्म में लेंगे। आपको क्या करना है, आधा कप पानी लेना है। आधे कप पानी में 10-10 बूंद इस मेडिसिन का डाल करके सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार पीना है इसको। इस मेडिसिन के लगातार यूज करने से आपकी जो दिक्कत है, आपके जो ऑर्गन्स में जो रिलैक्स हो गए हैं, उनकी जो ग्रोथ रुक गई है, उसमें उसको डेवलप करेंगे और साथ ही साथ ब्लड के सर्कुलेशन को सही करेंगे। तो इस मेडिसिन को आप डॉक्टर से कंसल्ट करके लेंगे तो आपके लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा। अगर आपके नियर बाय होम्योपैथिक फिजिशियन है कोई तो आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर जाकर के आप मुझसे भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इस मेडिसिन के यूज करते टाइम आपको परहेज रखना बहुत जरूरी है। अगर आप एल्कोहल का सेवन करते हैं तो उसको बंद कर दीजिए। साथ ही साथ जब आप इस मेडिसिन को यूज करें तो आपके मुंह में कोई भी स्ट्रांग स्मेल ना हो, जैसे कि रॉ आप अनियन खाते हैं या फिर गार्लिक खाते हैं, कॉफी पीते हैं, तो मेडिसिन लेते समय आपके मुंह में इसका स्मेल नहीं होना चाहिए। कुछ भी आपने खा रखा है तो खाने में और मेडिसिन के बीच में कम से कम आधे से एक घंटे का गैप जरूर होना चाहिए। ये मेडिसिन जो है सभी के लिए सुटेबल है, इसका ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन आपको इसको प्रिकॉशंस के साथ में
यूज करना होगा। बिना प्रिकॉशन लिए आप कोई भी मेडिसिन यूज करेंगे तो वो मेडिसिन उतनी जल्दी असर नहीं करेगी। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर पेनफुल इरेक्शन की प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना इस मेडिसिन को ना यूज करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि मेरे द्वारा बताई गई मेडिसिन आपको इजिली अवेलेबल नहीं हो रही है मार्केट में तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जाकर के आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेडिसिन आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। तो आशा करती हूँ कि आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ इसको शेयर जरूर करें, अगर किसी को भी इस तरह की परेशानी है तो उसको इससे छुटकारा मिल सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।